हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फाइसिस का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। सो अब तक हमने फाइलम कॉर्डेट के जो दो डिवीज़न है, एक रेनिएटा, उनमें हेमिकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट का क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें से हेमिकॉर्डेट को अब सेपरेट फाइलम में रखा जाता है। उसके बाद जो वर्टिब्रेट है उनके दो सब फाइलम एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा, तो एग्नाथा में साइक्लोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया और ग्नाथोस्टोमेटा को फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पाइसिस और टेट्रापोडा, जिनमें से पाइसिस जो है उनमें तीन क्लास है, प्लेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, तो उसका क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किया। उसके बाद टेट्रापोडा जो है उनमें ऐसे एनिमल्स इंक्लूड है, टेट्रा का मीनिंग होता है चार और पोडा मीन्स लिम्स, राइट, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें फोर लिम्स प्रेजेंट है तो उनको टेट्रापोडा में इंक्लूड किया गया है और उनका फिर फर्दर कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर चार क्लास में डिवीजन किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो जो एम्फीबिया है उनका क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो एम्फीबिया का मीनिंग गुजराती में उसे कहा जाता है उभयजीवी, या तो हिंदी में भी उसे उभयजीवी कहा जाता है, राइट। तो ऐसा उन्हें क्यों कहा जाता है, उभय का मतलब कि कोई दो चीज़ एक में देखने को मिलती है। सो इनके जो एनिमल्स हैं वो सेमी एक्वाटिक यानी कि टेरेस्ट्रियल और वाटर बॉडी दोनों में देखने को मिलते हैं। उनका पूरा लाइफ टाइम जो है वो लाइफ स्पान में से कुछ टाइम वो पानी में बिताते हैं और कुछ टाइम ज़मीन पर। तो इस प्रकार से दो हैबिटेट की वजह से उन्हें एम्फीबिया कहा जाता है। सो वो एक्वाटिक या तो सेमी एक्वाटिक होते हैं, एयर एंड वाटर ब्रीदिंग, जब वो ज़मीन पर होंगे तो एयर ब्रीदिंग और पानी में होंगे तब वाटर ब्रीदिंग थ्रू गिल्स करेंगे। कार्निवोरस हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं और ओविपेरस वर्टिब्रेट्स यानी कि एग ले करने वाले वर्टिब्रेट्स हैं। बॉडी इज डिवाइजेबल इंटू हेड एंड लॉन्ग ट्रंक, राइट, बॉडी के दो पार्ट देखने को मिलते हैं, हेड और ट्रंक जो पोर्शन है वो लॉन्ग होता है। नेक एंड टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी कि नेक और टेल रीजन जो है वो कुछ में प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट। लिम्स टेट्रापोडस पेंटाडेक्टाइल टाइप, राइट। अब इसका मीनिंग क्या कि लिम्स टेट्रापोडस तो हमें समझ में आया कि क्या होती है, टेट्रा मतलब चार, राइट, तो चार पैर उनमें देखने को मिलते हैं, सो टेट्रापोडस। और पेंटाडेक्टाइल मतलब क्या, पेंटा यानी कि पांच और डेक्टाइल मतलब यहाँ पर फिंगर्स की बात हो रही है, राइट, जो उंगलियाँ होती है डिजिट्स, तो पांच फिंगर्स उनमें प्रेजेंट होने की वजह से उन्हें पेंटाडेक्टाइल कहा जाता है। सम लिम्बलेस यानी कि कुछ में लिम्ब्स जो होते हैं वो एब्सेंट भी होते हैं और फिर उन्हीं में से इवोल्यूशन होकर रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जो है वह इवोल्यूट हुए हैं, उनका ओरिजिन हुआ यह माना जाता है। डिजिट्स जो है वह क्लोलेस, स्किन उनकी स्मूथ या तो रफ होती है और उनमें बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो उनकी स्किन को गीली रखती है। स्केल्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो स्किन में छुपे हुए होते हैं, ज़्यादातर एब्सेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन बॉनी ही होता है। स्कल विथ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल यानी कि उनके स्कल खोपरी जो है मस्तक पेटी उनमें दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। ऑसिपिटल कॉन्डाइल यानी क्या, तो इस तरह से स्कल के साथ जो वर्टिब्रेट की वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्रे कशेरुका है जहाँ से जुड़ती है, वहाँ जो बॉन है जिस बॉन से वह जुड़ती है उस बॉन को ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। साइड व्यू से देखेंगे तो इस प्रकार और पीछे से हम देखेंगे तो ये जो दो पिंक कलर के बॉन देखने को मिलते हैं वो है ऑसिपिटल कॉन्डाइल, राइट। तो ये सिर्फ समझने के लिए ह्यूमन का स्कल लिया गया है। सो इस प्रकार से एम्फीबियन में भी वर्टिब्रल कॉलम जहाँ से जुड़ती है वहाँ दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल देखने को मिलते हैं। हार्ट इज़ डिवाइजेबल इनटू टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल यानी कि थ्री चैम्बर हार्ट है। कॉर्नर्स प्रोवाइडेड विथ वाल्व्स यानी कि जो वाल्व्स है वह देखने को मिलते हैं। तो ये वाल्व का फंक्शन क्या होता है, तो हार्ट में जो ब्लड का फ्लो होता है उसको वापस जाने से रोकता है। आरबीसीज जो है वो बाइकॉन्वेक्स, ओवल और न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स थ्रू या तो स्किन थ्रू या तो बकल कैविटी की लाइनिंग थ्रू होता है। गिल्स आर प्रेजेंट एटलीस्ट ड्यूरिंग सम अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उनका जो लाइफ स्पान है उनमें से अर्ली स्टेजेस वो पानी में बिताते हैं, तो उस स्टेज के वक्त उनमें गिल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और फिर जब वो एडल्ट होते हैं और टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं तो उनमें गिल्स जो है वो डिजेनरेट हो जाती है। लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे भी है जिनका एडल्ट फॉर्म भी एक्वाटिक देखने को मिलता है यानी कि पानी में रहता है, तो तब उनमें गिल्स प्रेजेंट होती है। किडनीज जो है वह मेजोनेफ्रिक टाइप की होती है।
एक्सक्रेशन यूरियोटेलिक और यूरेटर्स जो है वह क्लोएका में ओपन होता है, यानी कि क्लोएका प्रेजेंट है तो यूरेटर्स और जेनाइटल के जो ओपनिंग है वह क्या होंगे, कॉमन होंगे। ब्रेन नॉट वेल डेवलप एंड क्रेनियल नर्व्स जो है वह 10 पेयर्स जितनी प्रेजेंट हैं। लेटरल सेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट ड्यूरिंग सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो डेवलपमेंट के स्टार्टिंग के स्टेज कैसे हैं, पानी में देखने को मिलते हैं। सो वाटर में होने की वजह से उनमें लेटरल सेंस ऑर्गन तब देखने को मिलेंगे, जैसे वह टेरेस्ट्रियल होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। सेक्सिस सेपरेट है। नो कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल, यानी कि स्पर्म के ट्रांसफर के लिए मेल में कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉपुलेशन के लिए देखने को नहीं मिलता, मीन्स के कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है। जेनाइटल डक्ट ओपन इनटू दी क्लोएका, राइट। तो जेनाइटल क्लोएका की बात आ गई तो मतलब जेनाइटल और यूरेटर्स के जो ओपनिंग है वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी कि बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड दी बॉडी। एग्स विद जिलेटिनस कवरिंग यूजुअली लेड इन वाटर। तो एग्स जो है उनका जो कवर है वो जिलेटिन का होता है और ज़्यादातर पानी में रखते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का, यानी कि उनमें मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखने को मिलता है। द लार्वा पास थ्रू एन एक्वाटिक स्टेज बिफोर मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट, यानी कि एडल्ट स्टेज आने से पहले जो लार्वल स्टेज है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, एक्वाटिक, राइट। सो फ्रॉग जो है उनको जो समझने के लिए कि वो एम्फीबिया का एग्जाम्पल है, राइट। तो फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग जो है वो एग को पानी में ले करता है, जहाँ पर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज, टैडपोल स्टेज, राइट, ये स्टेज कहाँ देखने को मिलते हैं, पानी में। उसके बाद उनमें जो दो लेग्स जनरेट होते हैं, उसके बाद फोर लेग्स, और धीरे धीरे वो सेमी एक्वाटिक और फिर टेरेस्ट्रियल जमीन पे आने लगता है, राइट। सो इस प्रकार से उनकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है कि उनके स्टार्टिंग के जो स्टेज है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो पानी में, और फिर धीरे धीरे वो जमीन पर आते हैं। इसके बाद एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देखें तो उनको दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, स्टेगोसेफेलिया और लिजा एम्फीबिया। तो स्टेगोसेफेलिया का मीनिंग होता है स्टेम, यानी कि पुराना, राइट। तो पुराने एम्फीबियन यानी क्या है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं उनको, ऐसे जितने भी एनिमल्स जिनके कैरेक्टर्स एम्फीबियन को मिलते आए हैं उनको कहाँ रखा गया है, स्टेगोसेफेलिया में। और लिजा का मतलब होता है लिविंग कंडीशन वाले एम्फीबियन, राइट। तो ऐसे एम्फीबिया जो हाल में क्या है, लिविंग कंडीशन में है, तो उनको रखा गया है लिजा एम्फीबिया में। स्टेगोसेफेलिया का फर्दर दो ऑर्डर में क्लासिफिकेशन है, लैब्रिंथोडोंटिया और फाइलोसोपोंडाइली, जबकि लिजा एम्फीबिया के तीन ऑर्डर है, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें तो सब क्लास वन जो है वह है स्टेगोसेफेलिया, तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और लिजार्ड या तो सेलामेंडर के जैसे दिखते थे, उनकी जो स्कल की डोर्सल सरफेस थी वह डर्मल बॉन्स से कवर हुई थी। लिम्स पेंटाडेक्टाइलस यानी कि फिंगर्स जो थी वह कितनी प्रेजेंट थी, तो 5। स्किन विथ स्केल्स एंड बॉनी डर्मल प्लेट्स, यानी कि शुरुआत के जो एम्फीबियन थे उनमें क्या देखने को मिलते थे, उनका बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन था वो या तो बॉन्स से कवर हुआ था या तो स्केल से। ऑर्डर वन जो है वह है लैब्रिंथोडोंटिया, तो उनके एनिमल्स क्रोकोडाइल या तो सैलामेंडर जैसे दिखते थे, फिश हिटिंग यानी कि फीडिंग फिश पर करते थे, यानी कि पानी में देखने को मिलते थे, राइट। तो इस वजह से फिश पर फीडिंग करते थे। स्कल जो है वह कम्प्लीटली बॉन से ढका हुआ था। मैनी बॉनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस स्कल देन मॉडर्न एम्फीबिया, यानी कि अभी के जो एम्फीबिया है उनके स्कल में जितने बॉन्स देखने को मिलते हैं उनसे ज़्यादा बॉन्स एक्सटिंक्ट हो चुके एम्फीबियन में देखने को मिलते थे। एनलार्ज टीथ यानी कि बड़ा एनलार्ज टीथ विथ ग्रेटली फोल्डेड डेंटाइन फाउंड इन बोथ दी जोस, दोनों जड़बे में दांत टीथ जो है वो प्रेजेंट थे और उन पर डेंटाइन का कवर हुआ था। मैनी स्पीसीज वर एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक, राइट। इनकी कुछ स्पीसीज एक्वाटिक थी तो कुछ सेमी एक्वाटिक, एंड उसके बाद जो स्पीसीज देखने को मिली थी वह टेरेस्ट्रियल भी थी। एग्जाम्पल है एरियोप्स। इस प्रकार से फिगर में देखें तो वो कैसे दिखते थे, क्रोकोडाइल या तो सैलामेंडर जैसे बड़ी साइज़ के एनिमल्स थे, राइट। ये एरियोप्स का फिगर है, उनका जो माउथ है उनमें बहुत सारे टीथ प्रेजेंट है, और उसका फ्रंट व्यू देखें तो एज वी से के क्या है, तो बॉन्स से ढका हुआ है, राइट। स्कल का ऊपर का जो पोर्शन है वह बॉन्स से कवर हुआ है। उसके बाद ऑर्डर टू जो है वह है फाइलोसोपोडाइली, तो उनके एनिमल्स कैसे थे, स्मॉल सैलामेंडर लाइक एम्फीबिया, यानी कि उनका बॉडी साइज छोटा था। फोर फिंगर्स एंड फाइव टोज, राइट, यानी कि फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की बात की है कि उनके
फोर लिम्स में चार फिंगर और टोज यानी हिंड लिम्स, राइट? टोज कहाँ होते हैं? तो हिंड लिम्स की बात की गई. तो जो पैर की उंगलियाँ थी हिंड लिम्स की, वो कितनी थी? पाँच. वर्टिब्रेट ट्यूबुलर, राइट? यानी कि जो कशेरुका थी वह ट्यूबुलर टाइप की थी. हैड लार्ज एंड फ्लैट. एग्जाम्पल है ब्रांकियोसॉरस. फिगर में देखें तो उनका हेड कैसा है? लार्ज और फ्लैट है. बॉडी साइज छोटा. और फोर लिम्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, राइट? यानी कि टेट्राडेक्टाइल. और हिंड लिम्स जो है उनमें पांच फिंगर, राइट? 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि पेंटाडेक्टाइल टाइप देखने को मिलते थे. उसके बाद जो सब क्लास टू है वह है लिजाम्फिबिया. तो उनमें सारे मॉडर्न लिविंग एम्फिबियन इंक्लूडेड है. टीथ जो है वो स्मॉल और सिंपल टाइप के हैं और उनमें एक्सोस्केलेटन में कोई बॉनी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता. ऑर्डर है उनके, फर्स्ट ऑर्डर है एपोडा, या तो उसे जिम्नोफियोना भी कहा जाता है. तो उनके जो एनिमल है वो प्रिमेटिव सिंपल टाइप के स्ट्रक्चर दिखाते हैं और ब्लाइंड है और बर्रोइंग टाइप के हैं. उनका जो बॉडी है वो इलोंगेटेड ईल लाइक देखने को मिलता है, राइट? ऐसा लंबा सा ईल जैसा. लिम्स गर्डल्स एंड टेल जो होती है वह एब्सेंट. स्किन उनमें बहुत सारे ट्रांसवर्स ग्रूव या तो रिंकल्स प्रेजेंट होती है, राइट? यानी कि आड़ी गड़ी पट्टे देखने को उनकी बॉडी पे मिलते हैं. माइनूट स्केल एम्बेडेड इन ग्रूव्स ऑफ द स्किन इन सम फॉर्म्स. कुछ फॉर्म में क्या देखने को मिलता है कि बहुत छोटे छोटे माइनूट स्केल्स देखने को मिलते हैं लेकिन वो स्किन में छुप गए हैं. स्किन पर जो ग्रूव्स की हमने बात की उनमें छुपे हुए होते हैं. कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल में प्रेजेंट होता है, राइट? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है? प्रेजेंट. एग्जाम्पल है इक्थियोफिस. सो इस प्रकार से होता है, उसका बॉडी इलोंगेटेड और बॉडी पर क्या देखने को मिलते हैं? ट्रांसवर्स ग्रूव्स या तो उसे रिंकल्स कहा जाता है और लिम्स टेल वगैरह जो उनमें एब्सेंट होते हैं. उसके बाद ऑर्डर टू जो है वह है यूरोडेला, या तो उन्हें कॉर्डेटा कहा जाता है. कॉर्डेट मीनिंग आता है तब ज़्यादातर टेल्स की बात होती है. सो यहाँ भी यही है कि उनमें टेल प्रेजेंट होने की वजह से उन्हें यूरोडेला या तो कॉर्डेटा कहा जाता है. सो बॉडी जो है उनमें हेड ट्रंक एंड टेल देखने को मिलते हैं. लिम्स इक्वल साइज है, यूजुअली वीक, राइट? यानी कि लिम्ब होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? वीक यानी कि नाजुक. सो लोकोमोशन के लिए वो अपना बॉडी यूज़ करते हैं. गिल्स परमानेंट और लॉस्ट इन एडल्ट एंड गिल्स लिट्स इन एडल्ट, राइट? यानी कि गिल जो है वो कुछ में परमानेंट होती है और कुछ में एडल्ट में एब्सेंट होती है, राइट? जबकि गिल स्लिट्स जो होती है वो एडल्ट में परमानेंटली एब्सेंट होती है. स्किन जो है उनमें स्केल्स देखने को नहीं मिलते, यानी कि स्केल्स एब्सेंट हैं. दोनों जड़बे में टीथ यानी कि दांत जो है वह प्रेजेंट है. मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है, राइट? आगे ऑर्डर वन में क्या देखा हमने कि उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो है वह क्या है? प्रेजेंट है. फीमेल्स यूजुअली ओविपेरस यानी कि एग ले करते हैं. लार्वा आर एक्वाटिक लाइक एडल्ट और रिजेंबल एडल्ट इन फॉर्म एंड विथ टीथ. यानी कि लार्वा जो है वह एक्वाटिक एडल्ट जो है उनसे कुछ मिलते जुलते होते हैं. एग्जाम्पल है एम्बियोस्टोमा, सालामेंडर एंड प्रोटियस. सो इस प्रकार से हम देखें कि उनके अंदर जो लिम्स होते हैं वो कैसे है? नाजुक है. सो अपने बॉडी को ही वो लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद ऑर्डर थ्री जो है वो है एन्यूरा. तो उनका बॉडी शॉर्ट और ब्रॉड होता है. एन्यूरा में जो फ्रॉग्स है, राइट, उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज इंक्लूडेड है. तो एज वी नो कि उनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड या राइट छोटा होता है और ब्रॉड होता है. हेड एंड ट्रंक आर फ्यूज्ड, नेक एंड टेल आर एब्सेंट. यानी कि हेड और ट्रंक का रीजन जुड़ा हुआ होता है और नेक एंड टेल एब्सेंट होते हैं. फोर लिम्स आर शॉर्ट, आगे के जो फोर लिम्स है वो छोटे होते हैं और हिंड लिम्स लॉन्ग. ऐसा क्यों होता है? तो फ्रॉग में हम जानते हैं कि लोकोमोशन जंप थ्रू होता है, राइट? तो वो जंप करने के लिए उनके हिंड लिम्स जो होते हैं वो क्या है? लॉन्ग देखने को मिलते हैं. एक्सटर्नल गिल और गिल स्लिट्स एब्सेंट. रेस्पिरेशन बाई लंग्स, यानी कि जमीन पर रहते हैं तो उनके रेस्पिरेशन क्या होता है? लंग्स थ्रू. आईलिट्स यानी कि आँखों के जो पोपचे होते हैं वो वेल डेवलप है. मैंडिबल टूथलेस यानी कि जड़बे की बात है. टीथ क्या है उनमें? एब्सेंट है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी कि बॉडी की बाहर होता है. एग्जाम्पल है एलाइट्स, पाइपा, बुफा, बुफो, हाइला एंड राणा. तो
फोटोग्राफ्स में फर्स्ट जो है वो एलाइट्स है, तो एलाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उनमें पैरेंटल केयर जो है वो बहुत ही वेल डेवलप देखने को मिलती है। जब तक उनके एग हैच नहीं होते वो अपनी बॉडी पर बैक साइड पर एग को कवर करके घूमते हैं। उसके बाद पाइपा है, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है और कलर जो है वो ब्राउनिश होता है। सो उनका बॉडी आगे से कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है, जिसकी वजह से उन्हें हम पहचान सकते हैं। उसके बाद है बूफो, हाइला एंड राणा। तो उसमें से जो हाइला है वह है ट्री फ्रॉग भी उसे कहा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर ट्रीज़ पर देखने को मिलता है। सो उसका कलर भी कैसा है, ग्रीनिश, सो वो इजीली पत्तों में कैमोफ्लेज हो सकते हैं। उसके बाद राणा, राइट, राणा ट्राइगिरिना जो हम लोकल देखने को मिलता है हमारे गार्डनिंग में। और वो सो बूफो और राणा को किस तरह से अलग किया जाए, तो बूफो का जो स्नाउट रीजन है वो चौड़ा होता है, जबकि राणा टाइगरिना का जो होता है वो पॉइंटेड होता है, राइट। उसके बाद जो बूफो की स्किन है वो ड्राई होती है, सो ज़्यादातर वो ड्राई प्लेसेस पर देखने को मिलता है, जैसे कि जहाँ लकड़े ज़्यादा होंगे और पानी कम होगा वहाँ पर वो देखने को मिलेगा। जबकि राणा टाइगरिना जो है उनका बॉडी जो है, उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, गीली, राइट, यानी कि वो गीली जगह पर रहना पसंद करते हैं। सो बाथरूम्स में, गार्डनिंग में, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो ये था एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन। थैंक यू। लास्ट लेक्चर में हम रेप्टाइल के क्लासिफिकेशन से कंटिन्यू करेंगे।